तो भाई और उनकी बहनों वेलकम बैक टू द चैनल आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है टीम फेनेटिक में तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यार होता कुछ ये अनफॉर्चुनेटली उनके तीनों मैच खराब चले जाते हैं उस टाइम प्लेयर्स का मिक्सड इमोशन था कुछ प्लेयर उस टाइम हंस देते हैं जिसकी वजह से स्काउट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिजर्व कर जाते हैं इसके बाद स्काउट क्रेटोस के स्ट्रीम पे जाते हैं और मोमेंटम में वो काफी कुछ चीजें कह देते हैं अपने टीममेट्स के आगे इसके बाद कल स्काउट अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जिसमें उन्होंने काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन किया और सॉरी को ज्वाइन एक्सप्लेन करते हैं और बेसिकली उनका कहना ये रहता है, कि में काफी कुछ कह जाते है जो की उनकी फैमिली फ्रेंड्स और सारे लोग देखते हैं और वो उन्हें सॉरी भी नहीं कहते हैं जो की उन्हें पसंद नहीं आता है और वो कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो वो पबजी ही खेलना छोड़ देंगे या तो वो टीम फेनेटिक छोड़ करके कोई और टीम ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद ऑरम भी काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन

बात करें और काफी लोग ज्वाइन भी करते हैं इन द एंड निमो आते हैं और वो कहते हैं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो सही तरीके से शॉर्ट आउट जल्द ही किया जाएगा तब तक किसी के बारे में कोई भी रूमर ना फैलाए इसके बाद फ्रेंकी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालते हैं जो लोग उन्हें ये कहते रहते हैं कि उन्होंने बिट्रे किया स्काउट को उसका वो रिप्लाई देते हुए कुछ कहते हैं है कि उन्होंने किसी को बिट्रे नहीं किया और स्काउट उनके भाई जैसे है और ये कोई मूवी नहीं चल रही है ये ई स्पोर्ट्स है और हाँ उनकी फैमिली और रिलेटिव स्ट्रीम देखती है और वो फ्रीकआउट हो ही जाते हैं जब वो ये सब चीजें स्ट्रीम पर देखते हैं बट इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे वो ये सब चीजें शॉर्ट आउट करेंगे पर्सनली तो यार आज के लिए बस इतना ही मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाय बाय गाइस